दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डिप्रेशन को समझ सकते हैं और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में खुद का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इन दिनों कई लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपका पार्टनर इस बीमारी का शिकार है और आप उनको समझ नहीं पा रहे, तो इस वीडियो से जाने कि उनके साथ कैसे आपको पेश आना चाहिए, शायद ये वीडियो आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सके, क्योंकि मनोवैज्ञानिक बीमारियां जड़ से कभी नहीं खत्म हो पाती। नंबर एक, उसे एहसास दिलाएं कि वो खास है। जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं, उन्हें पता होता है कि इस अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए कैसा महसूस होता है। वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेल रहे होते हैं जो कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। ऐसे में जब वो अंदर से भर जाते हैं तो वह बेवजह रोने लगते हैं। किसी भी बात पर उनका मूड ऑफ हो जाता है और फिर वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, जिस वजह से वो खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगते हैं। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ऐसे में आप अपने पार्टनर को कभी अकेला ना फील कराएं। उनकी कामयाबी के लिए उनकी तारीफ करें। उन्हें ये जताते रहें कि कोई है जो इस दुनिया में उनसे बेइंतहा प्यार करता है। नंबर दो, मस्ती करें। सबसे जुड़ी बात जो आपको समझनी होगी कि एक डिप्रेस्ड शख्स के लिए आपके मुताबिक चल पाना मुश्किल होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर पर जाने का सोच रहे हो और अचानक उसने आपका ये प्लान कैंसिल कर दिया, तो ऐसे में आपको खुद पर संयम रखना होगा और उन पर गुस्सा नहीं होना पड़ेगा। उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो उस वक्त क्या चाहते हैं। वहीं जब वो बेवक्त आपको कहीं जाने के लिए कहें, तो बिना बहस किए उनकी बात मान लिया कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। वह जल्दी कहीं घूमना पसंद नहीं करते, तो ये मौका है जब आप उनके साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं। साथ ही उनके साथ बातें शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें लगे कि वह इस दुनिया में बेकार नहीं है। नंबर तीन, गलती से भी ना कहें कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। किसी भी डिप्रेस्ड शख्स को खुद पता होता है कि उनका व्यवहार थोड़ा अटपटा है। ऐसे में उन्हें बार बार बोलकर परेशान ना करें कि तुम ये करो, तुम वो करो, जैसे कि तुम्हें ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में वो और भी चिड़चिड़ा जाते हैं और अंदर ही अंदर इस बीमारी को बढ़ावा भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप डिप्रेशन को समझ सकते हैं और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।